हिम्मत मत हारो, सांसें रोक के रखो। मुझे यकीन है हम ये कर सकते हैं। प्लीज कोई मुझे बताओ कि ये किसका आइडिया था कि पानी के नीचे सांसें रोकना मजेदार होगा। टेंशन मत लो लिवर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम सब ये सच में करना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, मेरे से अब नहीं हो रहा, मेरा दम घुट रहा है। अरे भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? हम तुम्हारे बिना 3 मिनट तक सांस रोकने का ये रिकॉर्ड कैसे बना पाएंगे? हा? नहीं, तुम हमेशा यही कहते रहते हो, हमें रुकना होगा, हम ये नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, लेकिन हमें तुरंत पानी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम्हें गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। डुबकी लगाने के पहले कुछ सेकंड्स के बाद बॉडी हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, लेकिन समय बीतने के साथ बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिस कारण हमें हाइपोक्सिया हो जाता है। समझ गए ना? फिर से हाइपोक्सिया? दोस्तों, मुझे मदद की जरूरत है, मेरा जुड़वा भाई कुछ जवाब नहीं दे रहा। पानी से बाहर निकलते ही वो ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या सिर्फ ये नहीं है। और क्या है? ऑक्सीजन की कमी को लेकर ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, और ऑक्सीजन लेवल के गिरते ही उसको काम करने में दिक्कत होती है, और अंत में हम बेहोश हो जाते हैं। ब्रेन, तुमने सुना? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, शायद बहुत देर हो चुकी है। हो गया काम तमाम। लंग्स, क्या मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? खैर, अगर कोई पानी में बेहोश हो जाता है तो पानी उनके लंग्स में भर सकता है, जिस कारण वो पानी में डूब सकते हैं। लगता है आज तो कोई हमें नहीं बचा पाएगा। आप लोग ये मत आजमाना। सब्सक्राइब।